गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग आर्गुमेंट की बात कर रहे थे क्योंकि आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। तो आर्गुमेंट आगे हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं ब्रीफ में कि आर्गुमेंट होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म है ना, फिर क्वेश्चन करेंगे आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म। ये दो क्वेश्चन आगे जितना भी क्वेश्चन है ना लगभग मैं यही दो चीजें पूछा है आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए, ठीक है। तो जैसे y एक्सिस जो होता है इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, और x एक्सिस को क्या बोलते हैं रियल एक्सिस। ये तुम्हारा रियल एक्सिस हुआ, आर यू ऑफ जेड से दिखाते हैं। जो x एक्सिस है ना ये ओरिजिन हो गया, ये रियल एक्सिस हुआ, और ये वाला क्या हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिखता हूँ, देखना। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, है ना। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू केवल 2 हो सकता है, मतलब y का वैल्यू 0, इमेजिनरी पार्ट 0। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका -3 हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट अगेन 0। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 2i हो सकता है, रियल पार्ट 0। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका -5i हो सकता है। तो यहां पर देख सकते हो ये वाला जो है ना, आप ऐसे समझ लो ये पॉजिटिव x एक्सिस पर रहेगा, यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। ये कहां रहेगा पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, ठीक है। ये कहां रहेगा नेगेटिव रियल एक्सिस पे, ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे मतलब ऊपर, और ये कहां रहेगा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे मतलब कहां पर नीचे, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे रहा तो यहां पर जो आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वो होता है 0 के इक्वल। और यहां पर जो हम लोग आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं ना वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है ना तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो पाई बाय 2 होगा आपका, राइट। और नेगेटिव रियल एक्सिस पे होगा पाई, और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होगा -π/2। कोई दिक्कत, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो ये अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ इमेजिनरी एक्सिस, और ये ओरिजिन है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी लाइन ज्वाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड ओरिजिन जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसी को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। ये ठिट्टा हो गया, ठीक है। और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करें, ये ठिट्टा है ना यही आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू पाई होगा और ग्रेटर देन -π होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू जो होता है, जो आपको हम लोग से पूछा जाता है, वो -π से कहाँ तक लेना है पाई तक। तो यहाँ पर अगर हम थीटा जो ले लें, थीटा अगर हम लेस देन π/2 कंसिडर कर लें और ग्रेटर देन 0 मतलब एक्यूट एंगल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका पूछा गया आर्गुमेंट निकालो, तो अगर ये 4 रहा तब तो डायरेक्ट आर्गुमेंट लिखोगे, मतलब एक्सिस पे रहा तो डायरेक्ट आर्गुमेंट आप लिख दोगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों रहेगा तो वो स्वाभाविक सी बात है कहाँ जाएगा क्वाड्रेंट में जाएगा। तो उस टाइम सबसे पहले तुम क्या करोगे,
सबसे पहले थीटा निकालोगे, और थीटा निकालोगे कैसे निकालोगे, फाइंड थीटा टेन इनवर्स मोड वाई बाय एक्स का यूज करके, टेन इनवर्स मोड बाय मोड वाई बाय एक्स। और मैं आपको बता रहा हूं कि टेन इनवर्स के अंदर अगर वन आ गया तो इसका वैल्यू पाई बाय फोर, ठीक है। टेन इनवर्स के अंदर रूट थ्री आया तो इसका वैल्यू पाई बाय थ्री, और टेन इनवर्स के अंदर वन बाय रूट थ्री आया तो इसका वैल्यू पाई बाय सिक्स। जनरली आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो डायरेक्ट इक्वल टू थीटा होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा आपका वो पाई माइनस थीटा होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो थीटा माइनस पाई होगा, राइट। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो माइनस का। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब एट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट चारों एक्सिस पे आ सकता है, है ना, मतलब दोनों एक्सिस पे आ सकता है, इमेजिनरी और रियल एक्सिस पे। दूसरी बात, क्वाड्रेंट में जा सकता है। अगर केवल रियल आए, केवल इमेजिनरी पार्ट है तो वो तो एक्सिस पर आएगा। और एक्सिस पर के लिए आप लोग डायरेक्ट याद रखना कि अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आ रहा है तो आर्गुमेंट जीरो, नेगेटिव रियल एक्सिस पे आ रहा है तो आर्गुमेंट पाई, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है तो आर्गुमेंट, और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है तो माइनस फाइव बाई टू। और एक बताए ना पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है बताओ, जेड इक्वल टू मोड जेड, मोड जेड मतलब मोडलस, इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये होता है आपका क्या चीज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका पोलर फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हुआ? पोलर फॉर्म हुआ। और जो पोलर फॉर्म होगा उसमें जो ये थीटा है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। यहां पर थीटा क्या है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है थीटा। तो क्या ये बातें आप लोग को समझ में आया? ये आर्गुमेंट समझ में आ गया? तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो आप लोग से पूछा गया है ना। चलो एक पेज लेते हैं और फिर इसको ले लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 46 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अब देखो पूछा गया 47 नंबर क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड दिया हुआ है वो माइनस वन माइनस आई रूट थ्री दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है? अब सबसे पहली बात नोट आउट करो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस में है तो यहीं पर लिख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट गया? अब देखो ये एक्स का वैल्यू माइनस वन है और वाई का वैल्यू आई के साथ जो होता है वो वाई होता है, आई के साथ जो होता है वो क्या होता है, तो वाई का वैल्यू है माइनस का रूट थ्री, ठीक है। तो थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं क्या जानते हैं ना, टेन इनवर्स मोड लिखते हैं माइनस रूट थ्री बटे माइनस वन, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, अच्छा मोड है तो मोड का मतलब प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट रूट थ्री होगा या नहीं होगा, माइनस रूट थ्री बटे वन, माइनस वन रूट थ्री आया। अभी बताया कि अगर टेन इनवर्स के अंदर रूट थ्री आया तो थीटा कितना, पाई बाय थ्री। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो थीटा माइनस क्या होगा, पाई होगा, बोले तो पाई बाय थ्री माइनस पाई, बोले तो माइनस टू पाई बाय, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का। देखो 48 नंबर क्वेश्चन, यहां आर्गुमेंट पूछा है किसका, माइनस रूट थ्री प्लस आई का। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में है, एक्स माइनस में वाई प्लस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इसको सेकेंड यहां लिख के रख लेते हैं, हमारे माइंड में रहेगा हमेशा। एक्स का वैल्यू कितना हुआ, माइनस का रूट थ्री, और वाई का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू बिना आई वाला जो है, आई के साथ जो है वो वाई का वैल्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स मॉड वन बाय माइनस रूट थ्री। मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है, तो ये वास्तव में वन बाय रूट थ्री हुआ, टेन इनवर्स के अंदर वन बाय रूट थ्री है। तो कितना होगा वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई माइनस थीटा होता है ना, तो पाई माइनस पाई बाय, तो कितना हो गया, फाइव पाई बाय सिक्स। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा, फाइव। अच्छा कितना, फाइव पाई बाय सिक्स ना, हाँ फाइव पाई बाय सिक्स, तो ऑप्शन दी, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है, माइनस रूट थ्री प्लस आई ना, तो एक्स का वैल्यू वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री टेन का कितना का वैल्यू होता है, थर्टी डिग्री का, पाई बाय सिक्स होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है माइनस और प्लस, तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स, कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, फाइव पाई बाय सिक्स होगा, ठीक है। पोलर फॉर्म में लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसको किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। चलो देखो, हम लोग को पोलर फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में। किसका पोलर फॉर्म लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो दिया ना, वो दिया माइनस टू, क्या इसको हम लोग माइनस टू प्लस आई जीरो लिख सकते हो। अब देखो एक बात बताते, मॉड क्या चाहिए कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस पहले आपको चाहिए क्या, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मॉडुलस क्या होता है, मॉड जेड और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो का स्क्वायर, ये क्या टू ही आएगा ना, तो मॉड जेड टू आ रहा है कि नहीं। और ये बताओ प्योरली रियल है, ये कहाँ लाई करेगा, माइनस टू है ना, कहाँ लाई करेगा, नहीं माइनस टू है केवल, नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, ये जो है आपका नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा ना, ये कहाँ रहेगा, नेगेटिव रियल, और नेगेटिव रियल एक्सिस पर होता है तो थीटा भैया डायरेक्ट बोलो पाई होता है। तो पोलर फॉर्म क्या होगा, इसका पोलर फॉर्म जो होगा बच्चों, पोलर फॉर्म इज जेड इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला, मोड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मोड जेड का वैल्यू टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, सही है ना। तो आप बताओ पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट सीख गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं तक है जो पढ़ना है आप लोग। अब आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, सारा इसी पे होगा। देखो पोलर फॉर्म में लिखो माइनस थ्री आई का, क्वेश्चन नंबर 15 में जेड इक्वल टू माइनस थ्री आई दिया है बच्चों, तो मोड जेड कितना होगा, थ्री होगा, और थीटा क्या होगा बताओ, माइनस थ्री आई, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, नीचे नीचे क्या होता है थीटा, माइनस का पाई बाय टू, तो पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड जेड कॉस थीटा प्लस
इसलिए मैं उधर धीरे चला क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बता रहा था। अब आप देखो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थ्री कॉस थीटा के जगह माइनस पाई बाई टू प्लस आई साइन माइनस पाई बाई टू, दिस इज रेडी। कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा? ए नंबर होगा, होगा ना, हो गया कि नहीं? राइट द पोलर फॉर्म ऑफ वन प्लस आई, 51 नंबर। जेड इक्वल टू लिखा है बच्चों वन प्लस, सबसे पहले आप मोड जेड निकालिए, क्या होगा? रूट अंडर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू रूट टू। आई के साथ वन ही है ना। अब थीटा निकालो आप, थीटा बराबर क्या लिखते हैं? देखो ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा? टेन इनवर्स। आई का वैल्यू कितना? आई के साथ वन, वन बाय वन, यानी वन हुआ, दैट इज इक्वल टू पाई बाय फोर। यही थीटा होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मोर, ये पोलर फॉर्म में क्या होगा? मोर जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? इस मोड को हटा दें, बताओ मोड जेड का वैल्यू कितना? रूट टू कॉस पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई बाय फोर। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कितना नंबर? सी नंबर, रूट टू कॉस पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई बाय फोर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अगेन है वही क्वेश्चन, पोलर फॉर्म लिखना है किसका? 52 में जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आई का, बोलो मोड जेड कितना आएगा? कितना आएगा ऐसा जोशी है? कितना आएगा? रूट टू आएगा कि नहीं आएगा? बोलो चमनलाल आया कि नहीं? कितना आएगा बोलो? रूट टू आया। समझ रहे हो बात को? अभी समझाया बहुत बढ़िया तरह से पीछे। तो बताओ अब थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है ये बोलो तो? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? मतलब ऐसे हम लोग याद किए ना, थीटा माइनस पाई, ऐसे याद किया ना। थीटा बोले तो टेन इनवर्स मोड वाई बाय एक्स माइनस पाई, थीटा बराबर ही ना होगा? प्रिंसिपल आर्गूमेंट टेन इनवर्स मोड वाई बाय एक्स माइनस पाई। बोलो टेन इनवर्स, अरे मोड है ना, माइनस वन बटे माइनस वन करोगे प्लस वन होगा ना। बोलो पाई बाय फोर माइनस, बोलो अरे कुछ नहीं यार, डायरेक्ट ऑप्शन लगाने सीखो। देखो रूट टू कहाँ बाहर में? अच्छा सब में है, ऑप्शन से डायरेक्ट रूट टू सब में बाहर है। माइनस थ्री बाय फोर एंगल किस में दिया है? बी नंबर, यही आंसर हुआ। सारा लिखने का जरूरत नहीं है। चले 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है जेड इक्वल टू रूट थ्री प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? बोलो मोर जेड कितना आएगा? दो आएगा। देखो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस आई के साथ कितना है? वन, सॉल्व करके दो आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा क्या होगा बोलो? टेन इनवर्स वन बाय, वन बाय रूट थ्री बोले तो पाई बाय, चलो ऑप्शन से मतलब मारो। देखो हर एक जगह दो दो है नीचे बाहर में, किसका एंगल पाई बाय सिक्स है? बी नंबर का आंसर ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ो। द पोलर फॉर्म ऑफ आई इज 54 नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू आई, तो मोड जेड भी कितना होगा? वन। और थीटा कितना होगा? प्योरली इमेजिनरी ऊपर होगा, पाई बाय टू होगा ना। चलो भैया कौन सा? कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू, हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 55, जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा, बोलो मोड जेड चार, दो आएगा। और थीटा बराबर बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, एक्स माइनस वाई क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है ना, तो पाई माइनस थीटा के जगह बोले तो टेन इनवर्स मोड वाई बाय एक्स, तो थीटा बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई का वैल्यू रूट थ्री और इसका माइनस वन। अरे कोई बात नहीं भैया, ये माइनस प्लस कर देगा। बोलो टेन इनवर्स रूट थ्री का वैल्यू कितना? पाई बाय थ्री, कितना आ गया? चलो आंसर देखो किसका नीचे बाहर में टू है, C
सी नंबर और एंगल किसका 2π/3 है, सी का, हो गया कि नहीं हुआ? कोई टाइम लग रहा है क्या? बोलो फिर से, ये बना लेगा? कौन सा आंसर होगा बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस थीटा, माइनस पाई बाय थ्री कहाँ है देखो, पहला आंसर। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है ना, तो वो पाई बाय थ्री आने वाला है, तो माइनस पाई बाय थ्री हो गया। वन माइनस आई, इसका मोड आएगा रूट टू। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, पाई बाय फोर आना था, आएगा माइनस पाई बाय फोर। बोलो कौन सा? बी नंबर। वैसे देखो ये और ये दोनों सही है, लेकिन मेरी बात समझना, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पे ए और ये दोनों, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे सबसे ज़्यादा सही। ट्रिग्नोमेट्री में लोग जानते हैं कॉस के अंदर माइनस रहता है तो वो प्लस कर देता है, और साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, तो ये दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन है? बी नंबर, क्योंकि हम लोग को पोलर फॉर्म में लिखना है, तो मतलब जो एंगल है वही लिखना है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पोलर फॉर्म लिखना है इसका, साइन 30° प्लस कॉस आई कॉस 30°, 58 नंबर। बड़ा दिक्कत हुआ ना, पोलर फॉर्म लिखना है, साइन 30° प्लस, दो तरीका है, 30° का वैल्यू रख लो, साइन 30 बोले तो कितना, कॉस 30 बोले तो कितना, रूट 3/2 ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया कि नहीं? तो मॉड जेड बोलो, रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का, जल्दी से बोलो, 4/4 1 आ जाएगा, मॉड जेड तो कितना आएगा, वहीं से आ रहा था 1, कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं? फिर भी चलो, आप देखो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ये, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स, इतना बटे इतना लिखेगा, रूट 3/2/1/2, 2 से 2 कटा, रूट 3 आया, थीटा बोले तो कितना डिग्री, पाई बाय 3, यानी 60°, इसको बोले डिग्री में तो कितना, 60°। कौन सा आंसर? ये नंबर। डायरेक्ट कैसे करते, ये कॉस के जगह क्या करना है, आई के साथ साइन रहता है ना, तो इसको 30 को क्या लिख सकता था, इस 30 को लिख सकता था साइन 90 माइनस 60 प्लस आई कॉस को, कॉस तो कॉस ही रहेगा, लेकिन 30 को लिख सकता है 90 माइनस, तो बोलो ये कॉस 60 हुआ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, इसको इतना करने की जरूरत था क्या, चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है कि नहीं है ये वाला, करें 59, जेड इक्वल टू कितना है, साइन 120° माइनस आई कॉस 120°, तुम वैल्यू निकाल सकते हो या डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री प्लस क्या 30°, इसको क्या लिख सकते हो, अरे कॉस 90° प्लस, बोलो बढ़िया से, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस, कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, मॉडल पूछ रहा है, मॉडलस फिर से ले आया, पहले वाला क्वेश्चन, जेड इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर, तो 2 प्लस रूट 5, मॉडल बताओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के जगह 2, तो 2 का स्क्वायर, वाई के जगह रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर, जल्दी से बोलो, 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत? आगे पूछा जेड इंटू जेड बार, जेड बराबर कितना है,
थ्री प्लस रूट अंडर टू आई, बोलो जेड बार क्या होगा? थ्री माइनस, अरे कंजुगेट, जेड बार का मतलब जेड इंटू जेड बार पूछ रहा है ना, जेड बार का मतलब कंजुगेट, आई को रिप्लेस करेंगे। अब बोलो दोनों को गुना करो, जेड इंटू जेड बार यानी थ्री प्लस रूट अंडर टू आई इंटू थ्री माइनस रूट अंडर, ओहो थ्री स्क्वायर प्लस आधा आया, नौ प्लस दो ग्यारह। बोलो आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस आई, आर्गुमेंट मतलब वही एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वन प्लस आई, टेन इनवर्स वन बाय वन, टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर, कहाँ है डी नंबर, कोई दिक्कत? एकदम खटाखट खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इंटू जेड बार, लो फॉर्मूला आ गया, जेड इंटू जेड बार होता है भैया मोड जेड का स्क्वायर, कितना नंबर, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज, इमेजिनरी नंबर मतलब ये थ्री आई फाइव आई, अच्छा लेकिन प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी बोला है, प्योरली इमेजिनरी थोड़ी बोला है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हुआ, ये सब जो है ना जैसे माइनस थ्री आई ले लो, ये क्या हुआ प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हुआ। इमेजिनरी नंबर कौन होगा जानते हो? इमेजिनरी नंबर उसको कहेंगे जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इमेजिनरी नंबर में वो भी आ जाएगा, थ्री आई वाला भी आएगा, माइनस थ्री वाई आई वाला भी आएगा, और जानते हो टू प्लस थ्री आई वाला भी आएगा, ये भी इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी जब बोलता तब अलग बात था, लेकिन इमेजिनरी बोल रहा है तो ये भी इमेजिनरी है, ये भी। तो आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा माइनस में, नाइन आई स्क्वायर मतलब माइनस नाइन, नाइन आई स्क्वायर माइनस नाइन, लेकिन इसका स्क्वायर करेगा तो तब तो इमेजिनरी नंबर ही आएगा। तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव होगा नहीं, नेगेटिव होगा नहीं, नथिंग कैन बी सेड, ऐसा है क्या, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर इसका स्क्वायर करते हो तुम टू प्लस थ्री आई का, तो क्या होगा देखो, दो दुना माइनस नौ, कैसे प्लस थ्री आई स्क्वायर प्लस सिक्स आई, क्या कहा जा सकता ऑप्शन में बताओ, ये नेगेटिव आया क्या पॉजिटिव आया क्या पता नहीं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर क्या होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा तो हो भी नहीं करेगा, अगर दिया होगा तो गलत दिया है, नथिंग कैन बी सेड, नहीं कैसे नहीं कुछ, हम तो कह सकते हैं कि या तो नेगेटिव आएगा या तो इमेजिनरी नंबर आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज, क्या दिया हुआ आंसर, हाँ नेगेटिव दे दिया है, हाँ वो सोच लिया प्योरली वाला, गड़बड़ बात है ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई विल बी, क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, चलें ये तो तुम लोग करिए लेगा, मॉडुलस निकालिए लेगा, कितना आएगा मॉडुलस दो, ये एक्स और वाई निकालना सीख गया था, चलो एक निकाल ही देते हैं लास्ट है, तो क्या जो बच्चा वीडियो देखेगा भी उसको भी थोड़ा सम, आज मेरा टारगेट था कि मैं सेट थ्योरी भी खत्म करूं, लेकिन सारा मामला गड़बड़ हो गया। इसको सॉल्व करोगे आई से मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ ना, तो देखो भाई इमेजिनरी, अरे ये अपने आप था इमेजिनरी फॉर्म में, इतना मैं क्यों मेहनत किया, देखो 4x किसके बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो गया, ऑप्शन से मार सकते 3 बाई फोर के क्या ऑप्शन में, मतलब चांस नन ऑफ दीज भी दिया है, लेकिन y भी निकाल लो भैया, माइनस सिक्स के बराबर होगा तो 3x प्लस सिक्स बराबर y, तो तीन तिया नौ बटे चार,
प्लस सिक्स बराबर वाई, नौ चौक छः चौक चौबीस और नौ कितना हो गया, चौबीस और नौ तैंतीस बटे चार, बी नंबर होगा। चलो ठीक है, सब लोग बढ़िया। अब तुम